मैं यहाँ पर कुछ लोगों को पहले बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, जो इस पैनल का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा शिल्पा राठौड़ एंड कृपा राठौड़। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा कार्तिक वनवे और उनकी मदर फाल्गुनी वनवे को। सागर पाटिल आज हमारे बीच में नहीं आए हैं क्योंकि उनकी शादी है और उनके कुछ गेस्ट जो आए हैं अमेरिका से उनको रिसीव करने उनको जाना पड़ा, लेकिन कल वो ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी हमारे महाराष्ट्र से है, उन्होंने भी अपने फादर को खोया है लेकिन आज बहुत अच्छी तरीके से वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो आज वो हमारे बीच में सागर जी नहीं आ पा रहे लेकिन वो कल हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और मैं बुलाना चाहूँगा मिसाले जी के हमारी जो डॉटर है भाग्यश्री और उनके हस्बैंड साई, इन दोनों को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये पैनल करना हमारे लिए भी बहुत टफ है, पर कुछ चीज़ें आज आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो, बहुत बार लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हमारी फैमिली को हम कुछ ना कुछ कहते हैं ना, हमारे बाद भी हम कुछ दे के जाते हैं, राइट? जब कोई इंसान नहीं होता है तब उसकी जगह इस दुनिया में और कोई नहीं ले सकता है, पर अगर वो इंसान कुछ ऐसा छोड़ के गया हो जिसमें लाखों लोगों की दुआएं होती है, तो किस तरह हिम्मत से हमारी नई जनरेशन बाहर आती है और अपनी फैमिली को संभालती है। आई एम सो प्राउड ऑफ कृपा कि ये आज अपनी मम्मी को संभाल रही है, अपने घर को संभाल रही है, अपने पापा के बिजनेस को समझ रही है। कार्तिक, मुझे याद है उनके पापा हमें कहा करते थे, अरे दीपल जी, नीलेश जी, इसको थोड़ा समझा दिया करो, थोड़ा सा और अच्छे से वेस्टिज करे। और आज देखो वो कितना मैच्योर होके इस बिजनेस को संभाल रहा है। धनश्री ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि उसको वेस्टिज करना है, मैं सही कह रही हूं? उनके हस्बैंड जिसकी सगाई यानी उन लोगों की बस उसी टाइम हुई थी, बट हमारे साथ मिसाले जी नहीं है, उनकी छोटी सी बहन है, आई थिंक वो सेवेंथ में थी, अभी एथ में है, सेवेंथ में है, राइट? उनकी मदर को कुछ भी नहीं मालूम है वेस्टिज के बारे में। जब पापा गए, एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गए और इन दोनों ने इसे संभाला। मुझे ऐसे इनके हस्बैंड के ऊपर, आपके ऊपर मुझे सच में प्राउड होता है कि आप अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हो, आप उनके साथ खड़े हो। और इन लोगों को आप सबको बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए इनकी हिम्मत का। इनका जो इनके पेरेंट्स के लिए, यानी एक जमाना हुआ करता था जब कहते थे ससुराल वाला, मैका वाला, ये सब चीज इन लोगों ने, ये बियॉन्ड है उससे। आज ये लोग पूरी अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स की फैमिली को भी मोरल सपोर्ट दे रहे हैं। एंड कुछ छोटी सी हम इन लोगों से बातें करेंगे एंड इससे बहुत सारी चीजें अगर आप समझ सको तो समझ लोगे इससे, राइट? सो आप सब तैयार हो? ओके, हम कुछ सवाल पूछेंगे आपको, ठीक है? और आप तीनों को जवाब देना है एक एक करके। पहला वाला जो हमारा सवाल है, आपकी आपकी लाइफ में वेस्टिज कैसे आई भाभी? आप आपकी लाइफ में, सिर्फ आपको इतना बताना है आपकी लाइफ में वेस्टिज कैसे आई, और जब भी आप कंफर्टेबल ना आए आप कृपा को दे दें, ठीक है? 2009 में जब एक गॉड फादर और एक गॉड मदर की तरह दीपल मैम और नीलेश सर कल्पेश के सामने ये बिजनेस लेके आए थे, अहमदाबाद की का शायद कोई होटल में मिले थे वहाँ पे, और वो समझने के लिए गए थे, पर वो उस वक्त इतना श्योर नहीं थे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूँगा, तो ऐसे ही समझ के आ गए थे।
दो तीन महीने ऐसे पार्ट टाइम किया उन्होंने, फिर उसके बाद जब बाली सर की कोई ट्रेनिंग अटेंड की थी और घर आके वो इतना मतलब कॉन्फिडेंट उनको आ गया था कि नहीं बस अब मुझे कुछ करना है तो वेस्टिज ही करना है, और धीरे धीरे करके उन्होंने उसमें बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। ग्रेट। और कृपा तुम कुछ कहना चाहोगी, वेस्टिज तुम्हारी लाइफ में क्या मायने रखता है, कैसे आया? मुझे याद है मेरी 10th की एग्जाम्स हुआ करती थी और पापा एग्जाम के टाइम पे मुझे छोड़ के वेस्टिज की मीटिंग्स के लिए, डिटेल्स नहीं पता बट वेस्टिज की मीटिंग्स के लिए जाते थे, और मैं एग्जाम में लगी हुई होती थी, उनकी एक अलग एग्जाम चल रही थी जो हम दोनों के लिए थी, मेरी एग्जाम्स मेरी खुद के लिए थी। और कुछ समय बाद फिर मैंने सारे अवार्ड फंक्शंस में जाना चालू किया बिकॉज डैड को ये स्टेज पे जो भी था, मुझे नहीं पता चलता था कि डायमंड क्या होता है, क्राउन क्या होता है उस टाइम पे, बट हर एक अवार्ड फंक्शन के एंड में, सबसे लास्ट में, पूरा अवार्ड फंक्शन अटेंड करने के बाद जब उनको वो अवार्ड जो ट्रॉफी जो थी मिलती थी, वो 2 मिनट के लिए हम लोग 2 महीना वेट करते थे उस टाइम पे, सब स्टडीज़ कुर्बान, सब कुछ और कुर्बान, और यही मेरी मेमोरीज हैं। और फास्ट फॉरवर्ड टू हियर, हियर आई एम। ग्रेट, जोरदार तालियां होनी चाहिए इन दोनों के लिए। भाभी मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगी कि वेस्टिज आपकी लाइफ में कैसे आया? वेस्टिज की बात करूँ, 2010 में अतुल जी ने, जो मेरे पति है, उन्होंने 2010 में दिसंबर में चालू किया था। उसकी पहले की लाइफ कहूँ तो बहुत टफ थी, बहुत इंडस्ट्री कर सके थे नेटवर्क मार्केटिंग के, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ उसमें, बहुत तकलीफें सहनी, फीस नहीं थी भरने के लिए बच्चों के लिए, कभी कभी हमने 6-6 महीने खाना भी नहीं खाया, पानी पी के सो जाते थे। फिर एक दफ़े उन्होंने, बाली सर ने कहा, दीपल मैम ने कहा कि आ जाओ अतुल जी, वहाँ पर गए, सुना सब प्लान, नीलेश सर थे, सब सुनने के बाद बोलते नहीं करना है तो मुझे यही करना है। उसके बाद 2010 से जो चल पड़ी हमारी, उसके बाद पीछे देखे कभी हमने नहीं देखा। यस कार्तिक, आपकी लाइफ में कैसे वेस्टी जाए? घर में प्रोडक्ट्स 2010 से आते ही थे। सचिन सर यहाँ पे बैठे हैं, सचिन कालबोर सर के DLCP पुणे DLCP से पापा सतारा लेके आते थे, जो 110 किलोमीटर है बस से, सचिन सर यहाँ से भेजते थे, वहाँ पे कलेक्ट करते थे। पापा रोड पे खड़े रह के, रिजल्ट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पापा रोड पे खड़े रह के प्रोडक्ट बेचते थे, मैं और मम्मी उनको जाके कभी कभी घर से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी देते थे। मेरे लाइफ में तो वेस्टेज पापा के वजह से ही आया। मैं एक्चुअली बैंगलोर में जॉब करती थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 40-50,000 कमाती थी, तो मुझे पापा बोलते थे तू वेस्टेज में आ, मैं तुझे 1.5 लाख रुपए दे दूंगा। तो भी मैं रेडी नहीं थी तब आने के लिए। फिर जब पापा की डेथ हो गई, उसके बाद मेरे सिस्टर्स का एजुकेशन ये सब की वजह से मुझे वेस्टेज में आना पड़ा। सो साई, आप कुछ बताना चाहोगे? मेरे लाइफ में वेस्टिज कैसा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मेरा इनके साथ मतलब शादी फिक्स हुआ तो मुझे पहली बार देखने आए थे भुवनेश्वर उनके पापा, और घर में बैठ के शादी के बात नहीं किए, डायरेक्टली वेस्टिज का बात किए, बोले कि तुम्हें पता है सुदर्शन पटनायक, वो सुदर्शन पटनायक का बात किए, वो 10 लाख कमाता है। तो मेरे पापा बोले अरे सुनो कुछ बोल रहे हैं वो, तो मैंने बोला भाई शादी का बात तो नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है, मैं तो टेंशन हो गया। मैंने बोला वेस्टिज एक्चुअली मैं IT वाला हूँ, और तब मेरा 24 लाख का पैकेज था, तो मुझे मतलब इतना टेंशन नहीं था कि बाहर का चीज़ क्या, मतलब ये क्यों आके मुझे, और मैं गया उनको पूरी घुमाने, कोणार्क घुमाने, सब जगह, और मुझे कंटिन्यूसली 3 जगह पे रोके, 3 DLCP, और भुवनेश्वर में है एक एम्बेसडर, उनके घर गए। मैं बोला भाई शादी का बात हुआ ही नहीं, मैं इसको कॉल करके बोला भाई शादी का बात हो ही नहीं रहा है, मेरा बस वही चल रहा है कि वेस्टिज, और मैं घर में भी नहीं बता पा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वेस्टिज का पूछ रहे हैं। मगर जब इनके पापा का तबीयत खराब हुआ, मैं गया वहाँ पर, जब देखा, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, वो मतलब लाइव में एग्जाम का डर रहता है, सबका डर रहता है, मगर जब लाइव का आ जाता है ना तो बहुत डर लगा मुझे। मैं पहली बार कोई चीज़ फेस कर रहा हूँ, ऊपर से मेरा, मैं जिसको प्यार करता हूँ उनके घर में बैठा हुआ हूँ, और उनके पापा हॉस्पिटल में,
कंटिन्यूसली पर डे 1 लाख 2 लाख जा रहे हैं, मैं इतना टेंशन में आ गया था। और जो उनका मतलब डेथ हो गया, फिर मैं सोचा उनके मम्मी को कुछ नहीं आता, ये 40,000 कमाती है, उनकी मझली बहन MBA और छोटी बेटी 7th में थी। मुझे इतना टेंशन आ गया कि लाइफ में अगर कभी मेरे साथ हो गया, मेरा 24 लाख का पैकेज मैं क्या करूं? नौकरी के बाद तो मुझे कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, वो अप्राइजल हो गया इस साल 32 लाख हो गया, मगर फिर भी जब मुझे वेस्टिज का वर्ड में बोलते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, वेस्टिज ही करना है, मैं 4-5 साल के बाद रिटायर्ड होकर मैं वेस्टिज नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि ये चीज आप सोचिए, आपके घर में 3-4 लड़कियां हैं, अगर लड़के सब आके बोल के गए, उनका एजुकेशन हुआ, उनका सब कुछ हुआ, मगर बिना वेस्टिज के नहीं हो पाता। अगर मैं नौकरी भी मेरा कुछ हो जाता तो मेरे पापा मम्मा अभी तक वो क्या LIC का 2-3-20 लाख आते और वही 20 साल में जिंदगी गुजारना, इज लाइक ए हेल। तो ये वेस्टिज को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार अपने फैमिली को देखिए, उसके बाद वेस्टिज करिए। उसी से ही मैं आजकल चार्जअप होता हूँ कि नहीं, घर में 3 है मेरे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे सास हैं, मेरे 3-2 सालियाँ हैं और मेरे वाइफ है, उनको एक लग्जरी लाइफ देने के लिए, अगर मुझे लग्जरी लाइफ देना है तो मेरे नौकरी से नहीं होगा, मेरे नौकरी से सिर्फ गुजारा हो सकता है। और मेरे ससुर जी ने BMW खरीदा था और मेरे 24 लाख पैकेज में मैंने वैगनआर खरीदा था। थैंक यू साई। सो ये तीनों के पेरेंट्स यानी पागल थे वेस्टिज के पीछे, ये मैं कहूँ तो चलेगा, कि दे आर मैड। वो सांस भी उसी की लेते थे, खाना भी उसी का खाते थे एंड सोते थे भी उसी के सपनों के साथ। सो यू नो ये जर्नी इन लोगों ने सबने देखी है। बट मेरा और एक सवाल है आप लोगों से कि क्या भाभी आप या कृपा आप लोग एक्टिव थे वेस्टिज में कभी इसके पहले? मैं वेस्टिज में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं रही, पर मैं एक्टिव सपोर्टर हमेशा रही हूं। बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। मैं फील्ड में हूँ कभी नहीं गई, लेकिन मैं घर से मेरा बेस्ट जो उनको सपोर्ट दे सकती थी वो मैंने दिया है। ग्रेट। और मैंने उनके साथ सारे कन्वेंशन, सक्सेस सेमिनार, गोवा वुमन ट्रिप और इवेंट्स, अवार्ड फंक्शन, जो वो सब कुछ मैंने उनके साथ अटेंड किया है। और अभी भाभी सब कुछ सीख रही है आगे कैसे बिजनेस करना है। WW से आप सीख रही हैं। सो प्राउड ऑफ यू। मुझे याद है कि जब कल्पेश भाई की मीटिंग करने हम गए थे नडियाद, तो पहला टिफिन भाभी का हाथ का खाया था हमने वहां पे, बिकॉज वो खाने के बड़े शौकीन थे और उनको सारी चीजें चाहिए, परफेक्शन थे खाने में। और उनको तो तब मैं मिला भी नहीं था, लेकिन उनके हाथ का टिफिन तब हमने खाया था। तो वैसे तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ही हम कह सकते हैं। सो भाभी आप जवाब दोगे, आई थिंक आप भी। मैं एक हाउसवाइफ थी। थोड़ा सा ऊपर माइक लीजिए। हाँ बस। मैं एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थी, मैं हाउसवाइफ थी और घर में जो प्रोडक्ट आ रहे थे वही सब यूज कर रही थी और उसी को अच्छा मान के आगे चलने लगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको कुछ नहीं बोलना है? मैं तो कभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर था भी नहीं, जैसे मैंने बोला मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कि वक्त वक्त की बात है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। ओके भाग्यश्री, आप और साई तो आप एक्टिव नहीं थे, राइट? जरा भी एक्टिव नहीं थे या थोड़े से थे आप? धनश्री आप साई तो उसको तो बाद में ही मिले आप? मैं सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करती थी। अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते थे, चलो ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन जो हम पूछना चाहेंगे आपको, डिड वेस्टिज इनकम मेक सम सेंस इन योर लाइफ? आज क्या लगता है, पापा ने इतनी मेहनत की, अगर वो कोई क्रिप्टो में गए होते, फॉरेक्स में गए होते और वेस्टिज उन्होंने किया, इतना पागलपन की हद तक किया, तो कुछ मेक सेंस किया कि नहीं किया, क्या लगता है आपको? यस, बहुत सिग्निफिकेंटली इट मेक सेंस इन आवर लाइफ।
मैं चाहूंगा एक ट्रू लायन के तरह उन्होंने अपने परिवार को संभाला है, और क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी होती रहती है, इतना अच्छा प्लानिंग और साथ साथ में वेस्टीज की इतनी अच्छी इनकम कि यानी कि एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा बेसिकली। कोई इंसान जाता है तो उसको तो हम भर नहीं सकते हैं, बट जब वो इंसान भी नहीं होता है और खाने की और रोज बरोज की चीजों के लिए भी लड़ना पड़ता है ना, तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ देही होता है। भाभी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे, क्या वेस्टीज की इनकम आपकी खुशी की, कार्तिक की, आप लोगों की लाइफ में कुछ मायने रखती है, कुछ फर्क लगता है अतुल जी की इतनी मेहनत का? बहुत बहुत लगता है, क्योंकि कोविड 2021 में उनकी वो एक्सपायर हो गए, उनके बाद सब कुछ बंद हो गया था कोरोना के टाइम, मगर वेस्टीज का इनकम हमारा का सबसे चालू रहा। और दीपल मैम और नीलेश सर और हेतल मैम, उन्होंने हमने छोटे बच्चों की तरह संभाला, सब तरह से सपोर्ट किया, इनकम भी चालू था। कार्तिक, वेस्टीज थोड़ा सा वक्त लूंगा इसके लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त लूंगा। 16 अप्रैल 2021 को मुझे दोपहर को 12:30 बजे फोन आता है, मम्मी का, घर आ जा, अर्जेंट है, ठीक है, मैं चला गया। उस दिन पापा को एडमिट किया, ऑन 26 अप्रैल 2021 ही पास्ट अवे। उसके बाद 27 अप्रैल 2021 को, वो 10 दिन और उसके बाद का 1.5 महीना, नियरली अबाउट 8th of June सुबह 10 बजे तक मैंने एक भी काम का फोन नहीं उठाया था, कोई भी फोन करता था, काम छोड़ के बात करनी है तो करो, क्योंकि उस वक्त में पापा के बाद और 13 डे मम्मी सीरियस थी, मैंने मम्मी को भी एडमिट किया था, तो एक को खो चुका था, दूसरा को खोना नहीं था। सो आई वॉज लाइक अगर गिर भी जाएगा, क्योंकि वेस्टेज का तभी पता नहीं था इतना कि इतना कुछ देती है कंपनी, आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है वापिस से कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन एक को खोया था दूसरे को खोना नहीं था। इस वजह से 1.5 महीना, मतलब 16th of April to 8th of June मैंने एक भी काम का फोन नहीं उठाया था। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे अगर आप टिके रहते हो, जो मेरे पापा ने 10 साल मेहनत की थी ना, उसकी वजह से जो दो महीना में मतलब कुछ भी काम नहीं किया था, तो भी सभी डाउनलाइन, सभी अपलाइन, सभी की बदौलत से चेक जो था वो 1 रुपया भी कम नहीं आया था, और ये वेस्टीज देता है। और इसी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी घर में, जो मेरा बहन की पढ़ाई चल रही थी, मम्मी हॉस्पिटल में थी, उसके एक्सपेंसेस, पापा का जस्ट डेथ हुआ था तो उसके एक्सपेंसेस, सब कुछ होने के बावजूद भी वी वेर फाइनेंशियली वेरी मच स्टेबल। और ये सिर्फ वेस्टीज में हो सकता है और कहीं नहीं, क्योंकि मैंने कंपेरेटिवली, मेरे कुछ दोस्त थे उनके भी पापा एक्सपायर हुए और आज उन लोग की हालत में देख रहा हूँ। अगर जो मेरे पापा ने 10 साल पहले डिसीजन लिया था, अगर उनके भी पापा लेते तो शायद आज वो लोग भी यहीं पे कहीं बैठे रहते। बहुत मैटर करता है यहाँ का इनकम, बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिस पे गुजरती है वो जरूर समझता है। थैंक यू। साई, आप धनश्री कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो पहले लगा ये क्वेश्चन ही गलत है कि सम सेंस हमारे लिए, ये हमारे जो फैमिली है इसके लिए वेस्टीज का इनकम बहुत मायने रखा। हमने बहुत अच्छा एजुकेशन दे पाए छोटी बेटिया को, मजली का MBA कंप्लीट करवा पाए, और हमारा शादी सब कुछ एक ग्रैंड वे में कर पाए, और वेस्टीज का इनकम के वजह से ये कॉन्फिडेंस आया है। तब तक मेरे मतलब जब तक हम नौकरी कर रहे थे ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा था कि भाई मैं अगले, अगर 3 महीने के बाद कुछ हो जाए मेरा EMI का कौन बिल भरेगा। मगर ये जो वेस्टीज का इनकम हमारे पास आया, और जब मैं और एक ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ थैंक्स करने के लिए कि जब पप्पा गए, नीलेश सर, आप सब ने जो घर में कॉल किए, इवन
ग्रेट अपलैंड विंचुरे सर, बोलकर सर, पुंजारे सर, सब घर आए थे. वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो फैमिली, जो वेस्टिज का फैमिली आया और घर में बैठा, तब मैं आपको बताता हूँ, लिटरली एक भी रिलेटिव नहीं आए थे घर में, मगर वेस्टिज का फैमिली आके पहुँचा था. सबने कॉल किया था और एक ही बात बोले थे. आप सर, सर ने भी बोला था कि आप हौसला रखो, सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा, 10 दिन लो, उसके बाद बिजनेस समझो, आगे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और वही हुआ. और मैं यही चीज़ आपको मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो मतलब अभी बोले, बोल के भी गए स्टेज में कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा सिद्धार्थ सर ने, तो मैं वही बोलता हूँ कि एक भी रिलेटिव ने घर में पाव नहीं रखा था 6 महीने, क्योंकि उनको डर लगता है ना उस टाइम के, शायद हमसे पैसा मांग लेंगे. मगर वेस्टिज वाले आए थे, सब वेस्टिज के फैमिली आए थे, विंचुरे सर आए थे, बोलकर सर आए थे, पुंजारे सर आए थे, आपका भी बहुत सपोर्ट रहा, और उसके लिए मैं पूरे फैमिली की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू धनश्री, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं MWW को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू, लव यू डार्लिंग. थैंक यू. कृपा, और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अब जब ये वेस्टिज की जर्नी, आपने अलग वेस्टिज की जर्नी शुरू की है, पापा का बिजनेस टेक ओवर किया है, लेगेसी जो आगे होने वाली है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? एक ओके या आज 3 महीने और 15 दिन हुए, और आज 3 महीने 15 दिन हुए हैं, 107 डेज. और मैं मानती हूँ कि 107 डेज में आप सब कुछ नहीं सीख सकते वेस्टिज के बारे में, बट आप ट्राई करो तो बहुत कुछ सीख सकते हो. और यही ट्राई किया. जब ये सब हुआ, दिमाग कहाँ जाए, दिल कहाँ जाए, पता नहीं चलता क्या सोचे, किसके बारे में चिंता करे, किसको याद करे, किसका सपोर्ट ले, पता नहीं चलता. बट एक चीज़ पक्का पता थी कि मैं मेरी जॉब का ध्यान रखूं ना रखूं, मैं वेस्टिज और पापा के बिजनेस का ध्यान जरूर रखूंगी, क्योंकि आंसर सिंपल था. उन्होंने एक मीटिंग में बोला था, मैं इतने सारे वीडियोस उनके देखती नहीं थी, मैंने इनफैक्ट अभी भी नहीं देखे, हिम्मत नहीं होती थी. पहले रीज़न कुछ अलग था, अब रीज़न कुछ अलग है. बट एक वीडियो छोटा सा मैंने देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि पहले पैसे नहीं होते थे वो प्रॉब्लम थी, अब पैसे इतने हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें वो प्रॉब्लम है. पहली वाली प्रॉब्लम डिफिकल्ट थी, ये वाली प्रॉब्लम मीठी है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे. उनकी मीठी प्रॉब्लम वो हमको देके गए. आज हर एक चीज़ वेस्टिज की वजह से उन्होंने ना कमाई, उनके प्लानिंग की वजह से परफेक्टली प्लान की. कोई डेट नहीं है, लग्जरी ही लग्जरी है, वो नहीं है बट लग्जरी देके गए हमको, वो संभालने के लिए लेके गए. आज ऑडी एक बच्चे की तरह हो गई है जो हमको ध्यान रखनी पड़ती है, घर एक बच्चा जैसा हो गया है जिसका ध्यान हम रखते हैं, बैंगलोर का घर, नडियाद का घर, गाड़ियाँ. तो जर्नी तो पक्का थी, कैसे कैसे करनी है वो नहीं पता थी. और वैसे भी लर्निंग की जर्नी हमेशा डिफ़िकल्ट होती है. आप स्कूल में पढ़ते हो तभी भी डिफ़िकल्ट लगती है, कॉलेज, जॉब, बिजनेस, वेस्टिज, कुछ भी हो. और उस टाइम पे तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी. कभी भी वेस्टिज चालू किया था, मुझे याद है पापा के स्टडी पे जो जहाँ पे हमने उनका फ़ोटो रखा है, हम खोल के बैठते थे, उनका फ़ोटो देखते थे, रोते थे, बंद कर देते थे. दूसरे दिन वापस चालू किया, वापस रोए, बंद कर दिया. तीसरे दिन समझ नहीं आ रहा था, मुझे याद है मैंने नीरेश सर को फ़ोन किया था कि हमें करना है, बस हमें पता नहीं हमें क्या करना है. और उन्होंने बोला कि तू अभी शांत हो जा, जिस जिस टाइम पे जो जो चीज़ तुझे जानने की ज़रूरत होगी मैं सामने से फ़ोन करके बता दूंगा, तू वो कर लेना.
और ऐसे करके उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स मेरी ले ली, एटलीस्ट सारी टेंशन ले ली। थोड़े टाइम बाद हमने मुझे याद है MWW के जो भी मंडे वेंसडे और फ्राइडे को मम्मी ने बहुत ब्रेवली, मैंने बस एक चीज़ मांगी कि मम्मी तू ये स्टार्ट कर, मम्मी ने सारे एवरी वीक 9 बजे जूम खोल के बैठ जाने का। कभी कभी फुल हो जाता था, हम 5-10 मिनट लेट होते थे, नहीं मिलता था जूम में स्पेस, यूट्यूब चालू कर देते थे। बट उस समय में भी हमने वो चालू किया, फिर भी ऐसा लगता था क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी भी लगता है। बट मैंने वापस से दीपल मैम नीलेश सर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि एक काम कर, हमारा कोर्स है वेस्टिज की सही शुरुआत कैसे करे, तो वो कर स्टार्ट। थोड़े दिन बाद हमने वो स्टार्ट किया, मम्मी ने वो स्टार्ट किया एंड इट हैज़ बीन ट्रिमेंडसली हेल्पफुल। जो सवाल थे और जो सवाल नहीं भी थे उन सब के जवाब मिल रहे हैं, हम रिविजन भी करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि हम नहीं हैं एक्सपर्ट डैड जैसे, इतने सालों का एक्सपीरियंस नहीं, सालों तो छोड़ो महीनों का भी एक्सपीरियंस नहीं है हमें, हम रिविजन भी करते हैं, बिल्कुल शेम नहीं है। जो नहीं समझ में आता हो, अपलाइन डाउनलाइन सारी फैमिली ही है, जो जिसको समझ में आता है उसको फ़ोन करके पूछते हैं, जो फ्री होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो फ्री होते हैं। मुझे याद है एक चीज़, ईश्वर अंकल को मैंने फ़ोन किया था, मुझे समझ नहीं आ रही है, वो घर पे आए सिखाने, वो गए, मैं रोई, वो गए मैं रोई, वापस से नेक्स्ट डे स्टार्ट। यही है वेस्टीज की जर्नी, और अभी तो ये जर्नी की शुरुआत भी नहीं है, ये पार्ट है, ये कन्वेंशन भी जर्नी का पार्ट है और ये चलता रहेगा। मैं कृपा के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने अभी, आप सबको मालूम होगा, मैंने बीच में एक कोर्स, एक ट्रेनिंग की थी जूम पे, सोशल मीडिया से बिजनेस कैसे बढ़ाना, और मैंने कृपा को बोला था बेटा तू बैठना उधर, वो बैठी और उसने उस हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, और मुझे कहने लगी मैंने 20-22 लोगों को मैसेज भेजा, सबका आंसर आया दीपल आंटी अभी क्या करूं नेक्स्ट। सो ये जो है ना, ये चीज, यानी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप जो बच्चे हो सब, आप लोग सच में अपने पापा मम्मी का नाम, वो आप लोगों को देख के प्राउड फील कर रहे हैं अभी। आप लोग कुछ कहना चाहोगे? कुछ नसीब कहूंगा खुद को, क्योंकि जो मैंने पहली बार वेस्टिज का प्लान देखा था वो मेरे पापा अतुल अनवे जी, उन्होंने ही मुझे दिखाया था, क्योंकि जब ऑडी में बैठा था ना तब मैंने घर जाके पापा को बोला था पापा मुझे प्लान सुनना है क्या करना है। आज भी मैं वही प्लान प्रेजेंट करता हूँ, जैसे कृपा दीदी ने कहा रोते हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मुझे मम्मी को भी संभालना था, बहन को भी संभालना था, एंड आई डिडंट हैड अ ऑप्शन टू बी वीक, सबके सामने तो ये ऑप्शन नहीं था मेरे पास। बेटा रोना वीक नहीं होता, इट्स ओके। नहीं लेकिन उनके लिए मैं एक स्ट्रांग पिलर था, तो उनके सामने इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं मीटिंग्स के लिए जाता हूँ ना, आज भी जाता हूँ ना बाहर, अकेला रहता हूँ, कभी रात को 10 बजते हैं, कभी शाम को 6, कभी रात को 1 बजता है ना। एक मराठी का सॉन्ग है आयुष्यावर बोलूंगा संदीप खरे का, दमलेल्या बापाची ही कहानी तुला, वो हर बार प्ले करता हूँ, हर बार जितना 100, 150 जो भी किलोमीटर ट्रैवल किया है ना वो हर बार रोया हूँ, रिपीट लूप पे वो सॉन्ग सुना है। लेकिन एक बात सिर्फ ध्यान में थी कि पापा ने बोला था कि आज मैंने बहुत सारे लोगों को सपना दिखाया है कुछ, तो वो सपना पूरा करना है। स्ट्रगल हर एक के लाइफ में होगा, तकलीफ हर एक को होगी, लेकिन उससे उबर कर आना ही जिंदगी है, जीना इसी का नाम है। कार्तिक मैं एक इंसिडेंट जरूर शेयर करूंगा। जब पूना में हमने इसके पहले 2 साल पहले जब कन्वेंशन किया था, तो इसी स्टेज के ऊपर बैक स्टेज पापा ने गले लग के इतना रोए थे और मुझे एक सेंटेंस कहा था कि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बेटा जरूर करेगा। इसी स्टेज के ऊपर, इसी हॉल में बैक स्टेज, और वो मुझे याद है, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है कि आज भी मैं वो महसूस कर सकता हूँ जो हक किया था उन्होंने, इतना स्ट्रांगली हक किया था मुझे, और वो इतना अंदर से रो रहे थे, और आई एम श्योर वो ऊपर देख के आज
कहीं से आपको देखते होंगे और उनको ये फील होता रहेगा कि नहीं, मेरा जो बेटा कर रहा है यू नो बहुत सही जगह पर जा रहा है, सही काम कर रहा है, एंड डेफिनेटली ही विल बी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। कई बार कृपा के फोन आते हैं, आप सब लोग यू नो कृपा इज लाइक अ डॉटर टू मी, आप मेरे बेटे जैसे हो। कई बार मैं जानबूझ के आपके फोन नहीं उठाता हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बिकम स्ट्रांग, आई वॉन्ट यू के तुम तुम्हारा हल निकालो, आई वॉन्ट यू टू बिकम स्ट्रांग। यू नो मैं आज सबके सामने ये एडमिट कर रहा हूं, मैं जानबूझ के कई बार फोन नहीं उठाता हूं आप लोगों के। वही और मुझे पूरा विश्वास है आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, टाइम पेशेंस। ये लोग ये यंगस्टर्स है, ये और यंगस्टर्स के जैसे भी कर सकते थे ना, क्रिप्टो करना, भटकना, यू नो इधर यू नो पैसा आ रहा है तो लड़कियों को घुमाना, अलग लाइन पे जाना, डिस्क में जाना, ये करना वो करना, ये लोग ये सब कर सकते थे। बट नो, दे हैव चूजन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज किए अपने फैमिली के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, मिलियनर वर्ल्ड वाइड के प्रति। मिलियनर वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक परिवार है, और यहां पर हर एक सदस्य एक दूसरे की मदद करता है। यहां पर कितने क्रॉस लाइंस ने मदद की होगी इनकी, यू नो उनका कोई उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बट एक परिवार है, एक परिवार के जैसे हम जी रहे। यस धनश्री साई, आप जो भी दोनों में से जो भी बात करना चाहते हैं वो। जब पापा की डेथ हुई मैंने आपको ही पहले कॉल किया था कि मुझे वेस्टेज करना है, पापा का जो भी बिजनेस है आगे बिल्ड करना है, तो आपने बोला था कि मिलियनेयर वर्ल्ड वाइड का एक कोर्स है वो लेना, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था मैम। फिर बीच बीच में मैं कर नहीं पाती थी, फिर मुझे याद आता था कि कॉन्वेंशन में जब पापा करोड़पति बने तो उनको रथ में लेके आया था, वो पूरा मतलब एक्साइटमेंट उनकी वो सब याद आती है ना, फिर लगता है कि नहीं करना तो है, पापा का जो ड्रीम है मुझे कंप्लीट करना है, मैंने वैसे ही स्टार्ट किया। अब सीख रही हूँ धीरे धीरे, मुझे प्लान भी नहीं देने आता था, मुझे देशमुख मैडम आती थी घर पर सिखाते थे वो मुझे कि प्लान ऐसे ऐसे देना है बेटा तू सीख जाएगी, हम दोनों रोते थे नहीं कर पाते थे कंप्लीट प्लान उसी दिन भी। फिर नेक्स्ट डे फिर से आते थे मेरे को सिखाने को कि चलो हम सीखेंगे तू करेगी, मुझे और साई को दोनों को प्लान उन्होंने ही फर्स्ट टाइम सिखाया है। देशमुख मैडम के लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। ये देखिए ना कौन कहाँ सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। एंड धनश्री यू नो आज आप इतने सारे लोगों को अपने साथ यहाँ लेके आई है, यानी आप दोनों ने सीखा, सो आगे भी बहुत सारी चीजें हम सब मिलकर साथ में कर लेंगे, राइट? यस आई, आप क्या कहना चाहते? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपने अभी जो बोला सीखा जो चीज है, लास्ट ईयर मैं जयपुर गया था, तब मैं मतलब क्या ना बहुत अर्ली स्टेज था मेरा, मतलब तुरंत ही सडनली चला गया था, तो मैं व्हाइट शर्ट और बिना यूनिफॉर्म के आया था, और मुझे इतना ऑकवर्ड अपने आप में फील हुआ। मैंने उसको बोला कि ऐसे नहीं होता है, मुझे नेक्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहन के ही जाना है। और दूसरा चीज मुझे ये लगा कि मुझे मेरा पहले क्या है ना, हम मैनेजर लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, हम लेट जाते हैं, थोड़ा लेट जाएंगे, तो लास्ट टाइम लेट गया था तो देखा कि 500 से 500 लोग आ चुके हैं, हम सबसे लेट है, कार जा रही है हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, हमारा कार किधर है बोल के। तो मैंने ये चीज इस साल सीखा है कि टाइम से आऊंगा, टाइम से जाऊंगा, जो बोल रहे हैं वो सुनूंगा, जो है इम्प्लीमेंट करूंगा, और जितना भी हमको सिखाया जाता है वो चीज को नोट डाउन करके मैं अपने डाउनलाइन को भी ट्राई करूंगा वो डुप्लीकेट करने के। थैंक यू, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस कृपा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लर्निंग जर्नी की बात थी, और एक चीज मैं भूल ही गई कि आज हम ये दो दिन के लिए कन्वेंशन पे आए हैं, बट लर्निंग ऐसी चीज़ है कि मैं और अभी जो मेरे हस्बैंड जो नहीं आए हैं, उन्होंने बोला है कि आप लोग जा रहे हो, फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, वेस्टीज आत्मनिर्भर प्लान की प्रिंटआउट निकाल के रेडी है, मुझे पता नहीं है कितना स्टडी हो गया होगा अभी, बट अभी पूरा समझे नहीं है, लर्निंग चल रही है उधर बैंगलोर में।
तो और मेरी मदर इन लॉ वो भी बोले कि जैसे ही मैं आऊंगी मुझे बताना कि लोगों को बताते कैसे. तो लर्निंग सिर्फ मेरी और मम्मी की नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ खुद, सब लोग लर्निंग जर्नी का पार्ट बन रहे हैं. कुछ समझ नहीं आता, यूट्यूब MWW चैनल देख लेते हैं, थोड़ा तो कुछ नहीं से कुछ सही समझ में आने लग जाता है. सो लर्निंग चल ही रही है, चलती ही रहेगी. सब समझ में आ जाएगा फिर भी चलती रहेगी. क्या लग रहा है, हमारे उभरते हुए सितारे दिख रहे हैं आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो इन लोगों के लिए जोरदार एक तालियां होनी चाहिए कि नहीं? एक आखिरी सवाल लेते हैं और फिर हम इस सेशन को फिनिश करेंगे. राइट, लास्ट. हाँ मम, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप बताइए प्लीज. मैं मेरे बातें मेरे बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ. मैं एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पति महाराष्ट्रीयन थे और फिर हमारी शादी हुई. जैसे हम कहते हैं ना वेस्टी से प्यार हो, ऐसे ही मुझे अतुल जी से मोहब्बत हो गई. फिर बाद में वो गांव में रहते थे, मैं गुजरात में मुंबई से थी. बाद में हम शादी करके गांव में गए. गांव में जाने के बाद वो कहते हैं ना गोबर से लीपना, फिर कुएं से पानी भरना, नदी पे जाके कपड़े धोना, वो सब मैंने किया है. एक गुजराती लड़की कभी वो कर नहीं सकती. मेरे को कपड़े धोना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, मगर वहाँ जाके मैं सब सीख गई. मगर अतुल जी को वो लाइफ कुछ पसंद नहीं थी. उन्होंने कहा करना है मुझे, कुछ बड़ा करना है. फिर धीरे धीरे हम सातारा आ गए सब छोड़ छाड़ के. वहाँ सब सेटल था, दुकानें थी, दुकान भी हम लोग संभालते थे. वो करने के बाद हम आ गए सातारा. सातारा में आ गए, बहुत हर्डल आए लाइफ में, कुछ कुछ तो सहन करने के बाद में थे. फिर बाद में हम लोग ने कहा कि बाबा अभी कुछ करना है. करने के बाद जैसे अतुल जी ने वेस्टी 2010 दिसंबर में चालू किया, हमारे पास घर रहने के लिए घर नहीं था, भाड़े से रहे थे, 1200 रुपये भाड़ा था. उसके बाद जो वेस्टीज में ज्वाइन करने के बाद हमने खुद का 1000 स्क्वायर फुट का घर लिया, 3 4 व्हीलर गाड़ी ली, 4 4 2 व्हीलर गाड़ी ली और आज ऑडी जैसी गाड़ी हमारे साथ है. हम लोग को लगा भी नहीं था कि हम करोड़पति हो सकते हैं. वो सब वेस्टीज MWW टीम, दीपल मैम, नीलेश सर, हेतल मैम, सब के सपोर्ट की वजह से कुछ नहीं, वरना हम कुछ भी नहीं थे. आज जो भी है थैंक्स टू वेस्टीज. आखिरी में बस मैं यही पूछना चाहती हूँ आप लोगों को कि आपका मैसेज क्या है. कोई भी एक मैसेज आप क्या लोगों को कहना चाहते हैं, जो भी आप दिल से जो मैसेज आप कहना चाहते हैं. आपने जो बहुत टफ टाइम देखा, मे भी हम लोग तो उसमें से 1% शायद आपको समझ पा रहे होंगे आप कौन कौन सी मुसीबतों से गुजरे हैं. क्या लोगों को आप कहना चाहते हैं, लास्ट मैसेज आपका एक क्या है? वेस्टेज क्यों करना चाहिए, इसका हम आज एक लाइव एग्जांपल है कि वेस्टेज क्यों करना चाहिए. क्योंकि कोई जॉब अगर कोई जॉब की होती तो हम आज इस स्टेज पे नहीं होते. वेस्टीज ने हमें जो सपोर्ट दिया है उनके जाने के बाद, उससे ये साबित होता है कि वेस्टीज एक ऑनेस्ट, एक स्टेबल, एक एथिकल कंपनी है जो हमें एक परिवार की तरह रखती है, हमें हर तरह से सपोर्ट करती है. तो इससे कोई ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम लाइव एग्जांपल है इसके. वेरी गुड. यस कार्तिक. 2 पॉइंट बताऊंगा, एक जो मेरे पापा बोलते थे माय फादर, एंड सेकंड जो नीलेश सर जिनको मैं गॉडफादर मानता हूं वो बोलते हैं. पहली बात जो मेरे पापा बोलते थे, लगे रहो लगन से लगातार. 3 L है जिंदगी में, लगे रहो लगन से लगातार. इन 3 L के नीचे अगर आप अंडरलाइन कर लोगे ना, कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. ये पहली बात थी. और दूसरी बात, आप इस दुनिया में क्या लेके आए हो ये कभी मैटर नहीं करता, लेकिन आप इस दुनिया में आपके फ्यूचर जनरेशन को क्या देके जाओगे, विरासत में क्या देके जाओगे, ये चीज बहुत मायने रखती है. और वेस्टीज ये विरासत लेगेसी आगे फॉरवर्ड ऑन करने का बिजनेस है.
वेस्टेज क्यों करना चाहिए ये आप सब लोगों को पता है, क्योंकि आप इतने दूर से आए हो, इधर बैठे हो, और हम सबको पता है कि वेस्टेज बहुत ही एथिकल कंपनी है, और गूगल में टाइप करोगे तो वेस्टेज नंबर वन कंपनी आती है। मैं बस अभी इसीलिए करना चाहता हूँ कि जो मेरे पापा ने ये सब किया हुआ है, जो वो इतने पैशन से कर पा रहे थे, उतना पैशन लेवल तक तो हम नहीं पहुंच पाए, मगर मैं ये ट्राई करूंगा अब से और आज से जितना भी करूं और जितना भी अपने डाउनलाइन को हेल्प करूं और जो भी करूं उसका आनंद लूं, और ये चीज मैंने आज सीखा है। तो वेस्टीज आप करिए, और उसका लाइव एग्जाम्पल डेफिनेटली हम हैं, और वेस्टीज दिल से करिए जिससे कि आप तो सुरक्षित रहें और आप अपने लग्जरी अपने ड्रीम को फुलफिल करें, नॉट ओनली योर्स, आप अपने लेगेसी छोड़ के जाएं अपने बच्चों के लिए, जबकि वो आपको जिंदगी भर याद रखें जैसे हम याद कर रहे हैं हम हमारे पापा को। थैंक यू। सो दोस्तों, यही मैसेज हम देना चाहेंगे आज का ये सेशन फिनिश करने से पहले। बहुत सारी लुभावनी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, और बुरा लगता है मुझे, मैं आज ये क्यों कह रही हूं, मुझे बुरा लगता है कि जब एक स्टेबल चीजों को छोड़ के हम इधर उधर भागते हैं। सो आप अपनी फैमिली को, अपनी घर को सोच समझ के डिसीजन लीजिए। कोई भी डिसीजन लेते हैं शॉर्ट टर्म चीजों के पीछे भाग के अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए और अपनी फैमिली की जिंदगी को बर्बाद मत करिए। मेरा आज यही मैसेज है। आप क्या कह रहे हैं? डेफिनेटली जो दीपल ने बात कही है वो बिल्कुल सही है। यू नो, स्टेबल प्लेटफॉर्म है वेस्टीज, छोटे मोटे जो लुभावने स्कीम्स आते हैं उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं वो बात तो है ही है, लेकिन मैं ये जितने भी हमारे आज जो हम पैनलिस्ट है आज के दिन में, सबसे पहले तो बड़ी हिम्मत लगती है यहाँ पे आके बैठ के ये बात करने के लिए, और ये सब आपके लिए कर रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। कोई बैंगलोर से आया है, कोई सतारा से आया है, कोई इतनी दूर से नांदेड़ से आए हैं, और यहाँ आके इस मंच के ऊपर बैठना और आप लोगों को मैसेज देना, ये कोई इजी बात नहीं है। तो आप सब लोगों का मैम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये पैनल आप लोगों के लिए, यानी कि किसी की भावनाओं पे ठोस ठेस पहुँचाने वाला ये पैनल का मकसद नहीं है। ये मकसद यही है कि वेस्टीज कितना सही प्लेटफॉर्म है ये हम लोगों को बता सके।